शुभारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल मोबाइल ऐप शुभारंभ करें। और इसके बाद मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल उद्घाटन किया जाए। आज संविधान दिवस के 71वें सेलिब्रेशन मना रहे हैं हम सब। ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे साथ आज इस प्रोग्राम के मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदया यहाँ उपस्थित, चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट रवि रंजन जी यहाँ उपस्थित, हाई कोर्ट जज एचसी मिश्रा जी यहाँ उपस्थित, झारखंड हाईकोर्ट जज अपरेश कुमार सिंह जी यहाँ उपस्थित, हाईकोर्ट जज नारायण प्रसाद जी यहाँ उपस्थित, हाईकोर्ट जज महोदया अनुभा रावत चौधरी जी और झारखंड सरकार के एडवोकेट जनरल साहब, और झारखंड हाईकोर्ट के और विभिन्न न्यायालय के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी का मैं आज के इस 71वें संविधान दिवस पर ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप सब लोगों का स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और आज के इस शुभ अवसर पर मैं महात्मा गांधी जयपाल सिंह मुंडा जी, शहीद भगत सिंह जी जैसे चमत्कारी व्यक्तियों के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी जैसे वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हमारे संविधान के बने हुए 71वीं वर्ष का हम आज यहाँ इस शुभ अवसर पर कई कार्यक्रमों को आज राज्य के जनता के लिए हम लोगों ने समर्पित किया। और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका और देश में, राज्य में न्याय के प्रति या न्याय की जो प्रक्रिया है आम लोगों तक सरल और
हर एक वर्ग तक इसकी पहुंच आसान हो पाएगी। मैं आज इस शुभ अवसर पर यह सोचकर आश्चर्य हो रहा हूं कि आजादी के प्राप्ति का समय कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। सैकड़ों रियासत में बटा देश आजाद हुआ था, जाति धर्म संप्रदाय वर्ग भाषा आदि के आधार पर बटे तत्कालीन भारत की परीक्षा काफी चुनौतीपूर्ण रही होगी, जिसमें हमें आजादी मिली थी वे भी भविष्यवाणी कर रहे थे कि कुछ महीने बाद ही शायद यह भारत देश बिखर कर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ऐसे परिस्थिति से सभी रियासतों को एक करने का जो जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रयास था एवं बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नेतृत्व में एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिस संविधान को हर वर्गों ने स्वीकार किया और ये ऐसे कार्य थे जिसने वास्तव में आधुनिक भारत की नींव रखी। आज हमारा देश एक है, सभी लोग एक साथ विकास की राह पर आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास इस दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। और यह सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि इसका सही उपयोग भी हम सभी लोग 71 वर्षों से करते आ रहे हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक मजबूत संविधान जो सबों के हित की रक्षा करे, इसकी जिसकी जरूरत सभी को है। विगत वर्षों में संविधान दिवस के आयोजन को जो रूप दिया गया उससे लगता है कि आज का दिन बड़े बड़े नेताओं न्यायाधीशों अधिकारियों द्वारा भाषण देने का दिन तथा अपने संविधान कैसे कमजोर वर्गों के लिए जरूरी है यह बताने का दिन। मैं मानता हूं कि यह सशक्त संविधान की जितनी जरूरत मजदूर किसान ठेला खोमचे वाले दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को है उतनी ही जरूरत राज्यपाल न्यायाधीश मुख्यमंत्री आईएएस आईपीएसों को भी। सबों के अधिकार की रक्षा करने वाली ये किताब है। इसकी जरूरत पक्ष के लोगों को भी है, विपक्ष के लोगों को भी। आज मैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूं, पर मैं बता दूं कि देश की एक समान नागरिक के रूप हेमंत सोरेन के लिए संविधान एवं संविधान दिवस उतना ही उपयोगी है। इसलिए देश के भविष्य के लिए सभी को सुरक्षित भविष्य के लिए एक मजबूत संविधान की सख्त जरूरत है। जब हम विपक्ष में थे तो झारखंड की भाजपा सरकार कई नीतिगत निर्णय ले रही थी और कई विषयों पर पूरे राज्य में कई विरोधाभास था और उस वक्त मुझे सड़कों पर निकलकर उन नीतियों के खिलाफ विरोध करना पड़ा। इसकी ताकत भी मुझे इस संविधान ने ही दी। यह पवित्र किताब ही है जो हमें जोड़कर रखा है। देशवासियों को बांटने वाली नजरिया से देखें तो यह बहुत अलग अलग आपको दिखे। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, काम के आधार पर, उम्र के आधार पर, जेंडर के आधार पर,
कितने अलग अलग लोग होने के बावजूद भी आज हमारा देश एक, और ये इस मजबूत संविधान की वजह से ही अनेकों में जो एकता की जो हमारी मिसाल है यही संविधान हमें देता है। सिर्फ यह एक किताब बच जाए तक, अगर हम इसको संरक्षित कर पाए तो सब कुछ संरक्षित रहेगा। सरकार यह सर्वांगीण विकास की नीतियां बनाती है। मैं तो कहता हूं कि सरकार सिर्फ संविधान की भावना के अनुरूप काम करने का प्रण करे कर ले, और कुछ अलग करने की जरूरत पड़ेगी भी। संविधान के अनुसार शासन को, शासन हो या संविधान के अनुसार आचरण हो, यह सब ठीक हो जाएगा। अपने संविधान की खूबसूरती सिर्फ इसमें लिखे एक लक्ष्य से समझा जा सकता है, सबको बराबरी का अधिकार। आज इस संविधान के वजह से ही कोई भी कार्य योजना या कोई किसी भी वर्ग के लिए हो, सभी को एक समान दृष्टि से ये संविधान देखने पर हमें विवश करता है, और यही व्यवस्था ही हमारी एकता। अमीरी हो गरीबी हो, अस्पताल में अमीर की इलाज हो या गरीब की इलाज हो, समान दृष्टि से लोगों को देखने का ये अधिकार देते हैं। रोजगार का अवसर, धार्मिक आस्था को बढ़ावा, गांव और शहर में कोई अंतर ना हो, न्यायालय में न्याय मिलने में किसी ढंग का अंतर ना हो, थाने और सरकारी कार्यालयों में सभी को समान रूप से सुना जाए, इसकी आजादी किसी को कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा मेरी सरकार इन विषयों पर सामयिक बदलाव एवं प्रगति करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोरोना काल में शहर के साथ साथ गांव को भी सुरक्षित रखते हुए आपकी सरकार ने हमारी सीमित संसाधनों में अच्छा काम किया। संकट के समय एक और सरकारी कर्मी की सेहत सुरक्षित रखने का प्रयास हुआ, वहीं दूसरी ओर राज्यों में फंसे मजदूरों तक भी हम पहुंचे, उनको राज्य में लाकर घरों तक पहुंचाने का काम किया। अब कोरोना के द्वारा लगाए गए ब्रेकर को भी हमें पार कर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए बराबरी के सिद्धांत को सामने रखते हुए अपनी सरकार को सरकार आगे बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के तहत जो आज पारा लीगल वॉलंटियर एवं अन्य माध्यमों से झालसा ने एक अच्छा काम किया है, आज प्रोजेक्ट तृप्ति, प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, प्रोजेक्ट निरोग भवन एवं प्रोजेक्ट चेतना का शुभारंभ का भी दिन है। इस पहुंच को बढ़ाने का उद्देश्य से झालसा का वेब पोर्टल का ऐप भी लॉन्च किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये सभी योजनाएं आम गरीब, मजदूर, किसान,
सभी व्यक्तियों तक पहुंचेगा। और अभी क्योंकि जहां हम आप लोगों से जुड़े हैं, मैं अभी अपने जन्म स्थल अपने गांव में हूँ, यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी कमी है। और आज जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में सभी लोगों को विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ने का जो व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, इस विषय पर हमें और एक नई चुनौती हमारे सामने आएंगी। और निश्चित रूप से हम मिलकर आने वाला समय एक नई सोच और नई दिशा और नए लक्ष्य को छूने के लिए हम सब लोग मिलकर इसी तरीके से परस्पर सहयोग आदान प्रदान करते हुए राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। आज के इस संविधान दिवस पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मैं अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज के शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। सबको जोहार, जय हिंद, जय जाहिर। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर